नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि एक नई जॉब आ चुकी है। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैकेंसी है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से जारी की गई है और इसमें मात्र 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म जो है जारी कर दी गई है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं नोटिस। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से जारी की गई है। वी आर हायरिंग, इंटरव्यू के माध्यम से जो है इसमें चयन होना है। कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ साधारण सा इंटरव्यू होता है, नाम पता वगैरह, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर जो कि 18 से 32 साल के उम्र के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति के पास काम करने का कोई भी अनुभव नहीं है, ठीक है। अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई काम करने का कोई जानकारी नहीं है, तो वो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस वाला पोस्ट देखिए ये है, क्रेडिट ऑफिसर। इसमें भी 18 से 32 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10+2 इसमें भी योग्यता मांगी गई है और 1 साल का माइक्रो फाइनेंस में काम करने का अनुभव इसमें मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं ब्रांच मैनेजर का पोस्ट जो देख सकते हैं 34 साल तक का है। इसमें 18 से 34 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, किसी भी पोस्ट किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है, और 3 साल का माइक्रो फाइनेंस में, यानी कि यही जो आपका ट्रेनी क्रेडिट हो गया, ये सब का पहले से अगर आप काम कर चुके हैं 3 साल तक, तो आपको ब्रांच मैनेजर का पोस्ट मिल सकता है। 3 साल का अगर अनुभव आपके पास है तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एरिया मैनेजर का भी पोस्ट दिया गया है। इसमें 18 से 36 साल तक उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी ग्रेजुएट मांगा गया है और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है माइक्रो फाइनेंस का। तो पहले यही है, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आगे अच्छा अच्छा पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर के पोस्ट पे जाना होगा। यानी पहले आपको कम से कम 3 साल 4 साल काम करिए, तब जो है आपको क्रेडिट ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर या फिर एरिया मैनेजर में पोस्ट मिल जाती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई काम करने का ज्ञान नहीं है, पहले कभी कोई काम नहीं किए हैं और 12वीं पास है, तो ट्रेनी क्रेडिट के लिए आवेदन करें। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी है जो मैंने आपको दिखाई दिया है थंबनेल के माध्यम से। अब इसमें देखिए, इंटरव्यू सिर्फ आयोजित की जाएगी, आपको कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू जो है आप देख पा रहे होंगे 20 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी, 9:30 बजे से 1 बजे दोपहर के बीच में आपका ये इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। और जहाँ भी आप जाना चाहें, देखिए अब इसमें से बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ आपके नज़दीक हो वहाँ आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर है तो सिर्फ मुजफ्फरपुर के लोग ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पटना के लोग भी मुजफ्फरपुर जा सकते हैं और मुजफ्फरपुर के लोग पटना भी आ सकते हैं। तो ऐसा यही नियम है, ठीक है। कहीं भी आप जाके इसमें इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो एड्रेस आप लोग नोट कर लीजिएगा, MS बिला अमूल्या सेवा सदन, मसकचक, शरद चंद्र पास, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर बिहार, पिन कोड इतना दिया गया है। फिर देखिए बेगूसराय में दिया गया, नियर नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वार्ड नंबर 45, खाटोपुर डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। और पूर्णिया में देखिए तो फर्स्ट फ्लोर राज कॉम्प्लेक्स, अब्दुल्ला नगर, नियर शारदा टॉकीज, कालीघाट डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया बिहार, पिन कोड इतना। हालांकि इसके लिए वैकेंसी फिर पहले भी आई थी, लेकिन जो है डेट इसे फिर से बढ़ाया गया है। उसमें कैंडिडेट शायद नहीं मिला या किसी को जानकारी नहीं हुई थी, इसलिए डेट बढ़ाया गया है। तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आवेदन जरूर करें। रिज्यूम सिर्फ लगेगा, तो अपना अपना एड्रेस पहले इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और दिए गए एड्रेस पे जाके आपको इंटरव्यू साक्षात्कार देना है। तो क्या क्या लेके जाना होगा इंटरव्यू में 20 तारीख को? तो एक CV ले जाना है, यानी CV रिज्यूम होता है, तो CV रिज्यूम आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं, देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लेकर जा सकते हैं, इसको भर के, और या फिर आप खुद से भी किसी भी साइबर कैफे में जाकर CV रिज्यूम बनवा लें अच्छे ढंग से और ले जाकर जमा कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ आपके लिए उपलब्ध करवा दिया, अगर आप लोग कहेंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया CV रिज्यूम, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, आधार कार्ड का फोटो और पैन कार्ड का फोटो ले जाना है। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो 3 महीने का सैलरी स्लिप,
यानी अगर इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं ये तीनों, ठीक है, ये इस तीनों पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको लगेगा सैलरी स्लिप। इस पोस्ट के लिए कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको सीवी रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके चले जाना है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपकी योग्यता के अनुसार आपसे कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी दी जा सकती है। सैलरी नेगोशिएबल होता है, यानी कि आप उसमें कम ज़्यादा करवा सकते हैं, अपना सैलरी बढ़वा सकते हैं, आपकी योग्यता के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। 20 तारीख को ये इंटरव्यू है और आप अपना कहीं भी जाके इसमें शामिल हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।